बहुत बड़ा सेठ होता है, बहुत पैसे वाला। पैसे वाला बोले तो आप ना छोड़ो, इतना शानदार पैसे वाला। पर जैसा कि होता है, पैसे वाले को हल्का सा घमंड तो रहता है, हल्का सा घमंड तो वो पैसे वाला एक दिन मर्सिडीज में जा रहा है, मर्सिडीज में जा रहा है, उसका ऑडियो चल रहा है। ऑडियो में आवाज, एक महात्मा की आवाज आ रही है, दुनिया में क्या रखा है, सब कुछ साथ चला जाने वाला नहीं है, कुछ यहां हाथ से करके जाओ, सत्कार्य करो, कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जो ऊपर लेके जाएगा। अब वो पैसे वाला सब बातें, महात्मा जी बोल रहे हैं ये सब माया है, ये संसार सब मिथ्या है, और वो सब सुन रहा है। सुनते सुनते उसके मन में आया कि मैं ऐसा काम करूंगा कि यार मैं पैसा ऊपर लेके जाऊंगा, ये महात्मा जी को मैं गलत साबित कर दूंगा कि मैं पैसा ऊपर ले गया। और वो सोचने लगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 10,000 लोग उसके काम करते थे, उसने सबको इकट्ठा किया कि भैया सब आओ। आने के बाद उसने बोला कि तुम में से जो भी मुझे आइडिया देगा कि पैसा ऊपर कैसे ले जा सकता हूं, उसको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। कितना बोला? अब वो जितने कर्मचारी है सेठ को मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकते, अब उनको सबको लग गया सेठ का ऊपर से सटक गया, सेठ पगला गया है। क्या बोला? सेठ पगला गया है। अब वो सेठ की बेचैनी, रात को नींद नहीं आवे, उसको महात्मा की बात सुनाई देवे कि जो करना है यहां कर लो, आगे कुछ। तो उसने क्या किया, वापिस 7 दिन बाद वापिस सबको इकट्ठा किया। क्या किया? वापिस सबको इकट्ठा किया, और इस बार उसने बोला कि जो मुझे आइडिया देगा उसको मैं 5 करोड़ दूंगा। कितना? 5 करोड़। अब बात घूमते घूमते पूरे शहर में फैल गई कि कोई सेठ को आइडिया देवे कि पैसा ऊपर। इतने में एक स्ट्रेंजर आया, एक अनजान आदमी आया, वो बोला सेठ मेरे पास आइडिया है। अब जैसे ही उसने बोला ना, सेठ की आंखों में चमक आ गया कि अभी अपना पैसा ऊपर ले जा सकते हैं। बोले हमारे शेर, कोई तो माइका लाल बिला जो मुझे आइडिया देने वाला है। बोले सेठ आप दुनिया घूमे हो? बोले बहुत घूमा हूं। बोले अमेरिका गए? बोले हाँ। वहां क्या करते हो? बोले यार कॉमन सेंस की बात है, जाने से पहले इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, उसके पहला वहां पे कोई काम होता है। लंदन गए हो? बोले हाँ। वहां क्या करते हो? बोले वहां पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। यार तू बार बार क्यों पूछ रहा है, ये तो कॉमन सेंस है, कहीं भी जाओगे वहां की करेंसी के बिना। तुम दुबई गए हो? बोले हाँ वहां। बोले वही दिराम। बोले बार बार क्यों पूछ रहा है मेरे दान? तो बोले मैं इसीलिए आपको पूछ रहा हूं कि स्वर्ग की करेंसी अलग है। क्या बोला? बोले स्वर्ग की करेंसी क्या है? बोले स्वर्ग की करेंसी पुण्य है। क्या है? स्वर्ग की करेंसी क्या है? आप है ना, अपने हाथ से जो करके जाएंगे, आप अपने हाथ से जो दान पुण्य करके जाएंगे ना, वही आपके साथ खाया पिया कुछ नहीं, जो आपने अपने हाथ से किया वो अपना, बाकी सब सपना। जो हाथ से किया वो और बाकी सब। तो जिंदगी में बॉस एक ध्यान रखिए, आप अपने हाथ से जो करते हो ना, मस्त रहिए और करते जाइए, वही आपके साथ चलने वाला है। वहां पे एक ही करेंसी चलती है, वो है आपका पुण्य। थैंक यू सर।